हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग? और आज सुबह सुबह आ गई है इडली सांभर। सांभर मैंने खा ली ना, इसीलिए ये सब है। और उधर रखी है चटनी चटनी चटनी। तो ये सब जो है ये सुमन भाभी ने मुझे बना के दी है, क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब कम ऑयल वाला खाना खा रही हूँ। तो सुमन भाभी ने सब सोच समझ के कि मैं क्या बना के दूँ, तो उस हिसाब से सुमन भाभी ने मुझे इडली बना के दी है। और अब मैं खाऊंगी इडली, क्योंकि ये मेरी डाइट में बिल्कुल फिट बैठ रही है। और अब खाते हैं इडली सांभर। और भाभी को बोल के आती हूँ। थैंक यू। कहाँ है भाभी? भाभी कहाँ हो? कौन से कमरे में आप? कौन से, उस वाले में? तो भाभी के पास चलते हैं, भाभी को बोल के आते हैं। थैंक यू भाभी। अरे यार, लाइट नहीं जलाई भाभी आपने। ये हैं सुमन भाभी, और इन्होंने मुझे बना के दी है इडली मेरी डाइट के अकॉर्डिंग। और भाभी 5 साल से रह रही हैं और बिल्कुल फैमिली की तरह रह रही हैं। कभी कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं। हम भी फैमिली की तरह रहते हैं, भाभी भी फैमिली की तरह रहती हैं। और अब मैं खाती हूँ इडली। और अगर आपको भी खानी है तो आप अपने घर बनवाइए और खाइए, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं ले सकती। पापा जी कैसे लग रहे हैं? मम्मी बना खिलाती है ऐसे? जरूर ये खा रही हूँ मैं। जरूर का चेहरा तो बोलो, जरूर कैसे ना आ रहा है। मम्मी डांट दिया होगा। हेलो, तो जी मैं आपको बता दूं, आज यहाँ इमरती देवी आ रही हैं और उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। मतलब वो यहाँ इसलिए आ रही है क्योंकि जो ये रिटायर्ड, जो भी BSF से रिटायर्ड या रिटायर्ड पर्सन है, मतलब पापा जी लोग, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सुनेंगी, शॉर्ट आउट करेंगी। और जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, इमरती देवी ना डबरस विधानसभा से पूर्व विधायक रही हैं और यहाँ आती रहती हैं। तो आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, उनका वेट कर रही हैं। अभी अभी आए नहीं हैं वो। तो जिनके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, किसान हैं या जो भी, उनका जो भी प्रॉब्लम है वो लोग बताएंगे। और मैं भी चलती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये SS राठौर अंकल ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे तरीके से उन्होंने तैयारियां की हैं। किसी भी चीज़ की मुझे कमी नहीं लगी यहाँ पर। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो समारोह है ये होली मिलन समारोह है, जिसका पार्टी का प्रमोशन से या पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो BSF, ITBP, CRPF से रिटायर्ड पर्सन है, या लोकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी किसान हैं या प्राइवेट जॉब में, उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज़ को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ है। और ये जो आपको येलो साड़ी में आंटी दिख रही है, ये मेरी स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड अमृता की मम्मी है। कितने सालों बाद, मतलब शादी से पहले मैंने आंटी को देखा था और शादी के बाद अब देखा, तो मुझे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं आंटी से मिली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इमरती जी आ गई हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बात तो है, अगर आप इतने बड़े ओहदे पर या पद पर होने के बाद भी बड़ों के पैर छूने नहीं भूलते, छोटों को प्यार करना नहीं भूलते, तो ये आपकी सिंप्लिसिटी और आपके संस्कार को दिखाता है। तो ये सारे संस्कार इमरती जी को देखकर समझ में आ रहे हैं। ये जो आपको ब्लू टी शर्ट में अंकल दिख रहे हैं, वही SS राठौर अंकल हैं जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और जो उनके साथ में खड़ी हैं ग्रीन साड़ी में, वो आंटी हैं, मतलब उनकी वाइफ हैं। और हमारे स्कूल BSF स्कूल में जो प्रदीप भैया थे, प्रदीप राठौर भैया, ये उनके पेरेंट्स भी हैं। इमरती देवी जी से आग्रह करूंगा, वो आए और कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबसे आग्रह एक बार करतल धुनी से उनका आप स्वागत वंदन करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लगातार विभिन्न दायित्वों पर अपनी भूमिका निर्वहन करने वाले आदरणीय मोहन सिंह राठौर जी, उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी इनका स्वागत करें। मैं आदरणीय SS राठौर जी से आग्रह करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी से स्वागत करें। मैं
राठौर साहब एक एक माला से हमारे साइड से जितने भी हमारे मुख्य, एक बार जोरदार तालियां आज के हमारे जो मुख्य अतिथि बहन इमरती देवी जी का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। तो इमरती जी बीजेपी पार्टी की मेंबर हैं और 2018 से 2020 तक इन्होंने महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में काम किया है। और कोरोना के टाइम पे जब कोरोना था तब मम्मी मुझे बता रही थी कि इन्होंने जब सब्जियां नहीं आती थी तो डबरा से इन्होंने गाड़ियां भेजी थी कि जिससे हम लोग सब्जियां ले सके, और कोई भी हाई रेट नहीं था कि महंगा बेका है, नहीं, जो रेट उस टाइम चल रहा था उसी रेट पे हमें समय समय पर होते रहना चाहिए, जिससे आपस में मिलने जुलने से प्रेम स्नेह सौहार्द्र वातावरण बनता है और एक दूसरे की कोई दुख तकलीफ की भी बात होती है तो हम और आप आपस में उसको शेयर भी कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। ये कार्यक्रम उसी तारतम्य में रखा गया है और इस कार्यक्रम के रखने के लिए मैं आदरणीय एफएफ राठौर साहब का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। टीसीपी के आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करने वाली श्रीमती इमरती देवी जी, कार्यक्रम के संयोजक माननीय मेरे बड़े भाई एसएस राठौर साहब, प्रदेश सीआरपीएफ के अध्यक्ष जयंत सिंह राणा जी, अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव जी, बलवीर सिंह कुशवाहा जी, बारेलाल यादव जी, गणेश सिंह भदौरिया जी, पहलाद सिंह तोमर जी, हमारे स्थितियों को देखते हुए प्रदेश स्तर पर प्रदेश सरकार अगर अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन प्रदेश में करती है तो बहुत अच्छा कार्य होगा वो, और हम रिटायरियों के कल्याण के लिए वो काफी काम करेगा। ये प्रदेश स्तर की चर्चा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई विशेष बजट की जरूरत नहीं है। टीसीपी पे हमारे सम्माननीय एसएस राठौर जी और उनके साथियों के साथ होरी मिलन समारोह का ये प्रोग्राम रखा गया है, उसमें उपस्थित सम्माननीय राठौर साहब हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, जो उन्हें और उनके साथी आज भी बॉर्डर पर जो काम कर रहे हैं। हम लोग तो नेता लोग हैं, अगर समस्या आती है कछु तो चले जाते हैं, लेकिन हमारे देश के बचाव के लिए जो हमारे यहाँ लोग बैठे हैं और आज जो बॉर्डर पर काम कर रहे हैं उनके लिए मैं हर अपने पूरे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन और उनका स्वागत करती हूँ कि आज हमारा देश सुरक्षित है तो आप जैसे लोगों के रहने पर हमारा देश सुरक्षित है। निवेदन अपना टेकनपुर और टीसीपी के ओर से कहना चाहता हूँ कि जब से कोविड 19 चला है तब से टेकनपुर 2 लेकर के मकोड़ा से बसें बंद हो गई हैं। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सभी परेशान है, एक भी बस नहीं चल रही। कृपया करके आपसे करवत निवेदन है, ये परिवहन मंत्री हो चाहे परिवहन अधिकारियों उनसे रिपोर्ट किया है और टेकनपुर से अंदर से बस निकालने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत माता। ये चाय की व्यवस्था है भैया, अभी अभी चाय पी के ही आप सब लोग जाएं, हमारे जो मुख्य अतिथि उनके कार्यक्रम में हाथ लगवा हुआ, इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं आप सब लोग। सो फाइनली इमरती देवी चली गई हैं और मैं खुद पर्सनली उनसे मिली और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। वो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, जो वो चाहते थे या जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी उन लोगों ने बताई। तो कुछ मीटिंग ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें आप पॉलिटिक्स को छोड़कर या अपने वोटों को छोड़कर मतलब बात करें। तो मुझे ये लगा ये मीटिंग जो थी होली मिलन समारोह ये बेस्ट ऑप्शन था इस टाइप के लिए, क्योंकि यहाँ पर आज कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई है,
और अब मैं आ गई हूँ गर्वित को लेने, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, बट दीदी बैठी हुई है स्कूल में। तो चलिए तन्नू को लेके आते हैं, गर्वित तो तन्नू मन्नू के साथ मिलते हैं स्कूल। हाय हाय हाय, कैसे हो आप? अरे मेरे दोस्त हो गए यार, कोई बात नहीं। हाय, तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ना साथ में पढ़ाया था स्कूल में, मतलब जब बच्चों ने और इनके हाथ के जो वो मोदक लाते थे ना, मोदक वो हम गणेश जी को जो चढ़ते हैं, हाँ वो लेके आती थी, वो बहुत टेस्टी बनते थे। अब तो मेरा घर बगल में यहाँ पढ़ा था ना, बाकी आप कौन हमें चले, ठीक है तन्नू मनु आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ, चलो गो।